गया ने जल संकट से निजात पाने में पाई सफलता। भूजल उद्भव के तहत 20 वृहद कार्यक्रम चलाए गए जो हुआ सफल, जिसके तहत जिले के सभी पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। ग्राउंड वाटर व सरफेस वाटर लेवल को बढ़ाने तो चेक डैम, रिचार्ज बोरवेल, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, सोखता निर्माण, खायो पाइन व आहार का निर्माण एवं 16 लाख वृक्षारोपण आदि कई कार्य किए गए, जिससे जल संकट से निजात मिला और जलपूर्ति के लिए टैंकरों की आवश्यकता नहीं पड़ी। बांके बाजार प्रखंड अंतर्गत रोशनगंज थाना के जमगाड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो भाइयों के बीच लाठी डंडे से जमकर हुई मारपीट, जिसमें एक भाई पिंटू कुमार पूर्ण रूप से घायल हुआ है, जिसे स्थानीय अस्पताल स्वास्थ्य उपकेंद्र बांके बाजार में भर्ती कराया गया। हमने 3 डिसमिल में है, उसको दिया हम दुपट्टा। हमने बोला कि जाओ भाई तू ही रहो, ठीक खुश रहो, लेकिन लड़ाई मत हो। लेकिन ये लोग बाप बेटा मेहरारू सब चारों पांचों मिल के हमको आहार दिया। क्या चीज मारा? लाठी से मारा, रड से। पूरा फटा हुआ है। थाने में मामला दर्ज करने जा रहा है। कहाँ जा रहा है? हम जा रहे हैं थाना पर, थाना पर केस करते हैं। गया जिले के बांके बाजार प्रखंड के बांके धाम मोड़ के समीप शनिवार की देर शाम ट्रक के धक्का लगने से बाइक सवार युवक की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतक युवक की पहचान डुमरिया के चक्रबंधा थाने के मोहलनिया गांव के मुकेश कुमार यादव के रूप में हुई है। गया जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में कोविड-19 कोरोना से बचाव व सुरक्षा के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान गठित कोषांगों के कार्यों की समीक्षा की गयी। गया जिला के गुरुआ प्रखंड कार्यालय के सामने भुइया बीघा गांव में गुरुआ पंचायत के मुखिया कमला देवी व पंचायत प्रतिनिधि मुरारी दांगी ने डिटॉल साबुन, मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया। बीएडा के विक्रम थाना क्षेत्र के महजपुरा गांव के बधार में ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने एक शव बरामद किया, जिसकी पहचान महजपुरा गांव के निवासी भागीरथ मोची के पुत्र विकास मोची के रूप में हुई। ग्रामीणों ने संभावना व्यक्त की है कि युवक की मृत्यु हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से हुआ, जबकि परिवार वालों का मानना है कि सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पालीगंज अस्पताल में भेज दिया है। हम लोग को तो 3:30 बजे सूचना मिला, हम लोग वहाँ गए तो देखे कि लाश इसका पीठ उठ जला हुआ है। तो हम लोग को अंदाज यही लगा कि 11,000 के तार गिरल था, इसका लाइन से मृत्यु हो गया। मतलब यहाँ शव पाया गया, वहीं पे बगल में तार गिरा हुआ था। हाँ, मैंने 100 मीटर के अलग। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि लाइन से ही इसका मृत्यु हुआ है। क्या पता आपका? सुधीर कुमार, महजपुरा, सरपंच। गया नगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भाजपा द्वारा चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान में तीसरे दिन भी भाजयुमो के प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी आयुष सिंह एवं बिहार कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की पत्नी प्रभावती देवी दर्जनों महिलाओं के साथ कई मोहल्लों में घर घर जाकर लोगों को मोदी जी के पत्र को देने का काम किया।